अच्छा सर, इनके नाम वाम बता दें जब तक, क्या है इनके नाम वगैरह? सर, नाम एक डिप्टी डायरेक्टर है वेस्ट जोन नजीम कबार, ये डिप्टी डायरेक्टर है टेक्सास। और दूसरे का नाम? और दूसरे का नाम है महबूब बेग, ये भी बीएमसी वेस्ट में टेक्सास का डिप्टी डायरेक्टर है। सलाम वालेकुम। शायद भाई वॉल्यूम नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। शाहिद भाई आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, आपको मेरी आवाज अब आएगी? आ रही आवाज। हाँ सादिक भाई, जी जी जी, कुछ चीजें मैं दिखा रहा हूँ, बड़े अफसोसनाक कुछ सूरत हाल है जो मैंने अभी छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाया है। ये तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है और इसी के साथ साथ ये एक FIR की कॉपी भी मैं दिखा रहा हूँ, जो FIR कटी है। जी 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 जी। अच्छा, ये आप देखें, तमाम लोग देखें, इस पर मैं अभी बात करता हूँ। और एक मैं थोड़ी सी पुरानी खबर दिखाना चाहता हूँ जो मुख्तलिफ अखबारात में लगी थी। ये खबर, कराची का नाकाम मेयर हूँ तस्लीम कर सकता हूँ, करप्शन रुक सकी ना शहर के लिए कुछ कर सका। ये एक अखबारात में ये मुख्तलिफ इस तरह की खबरें छपती रहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा मेयर कराची को, जाओ जान छोड़ो, इस तरह की चीज़ें दुनिया ने देखी, अल्लाह माफ़ करे। और कराची का जो हाल हुआ दुनिया ने देखा। हम ये प्रोग्राम बेसिकली करते हैं इसीलिए कि हमें बड़ा दुख है कि MQM के खिलाफ ही बेसिकली ये प्रोग्राम है, जो MQM की इस वक्त मौजूदा काबिज टोला है उसके खिलाफ ये प्रोग्राम है। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये दिस इज ऑल अबाउट MQM एंड ऑल अबाउट ऑक्यूपाइड MQM, ऑल अबाउट द करप्ट माफिया विच इज ऑक्यूपाइंग ऑन MQM, ठीक है ना। तो मसला ये है, हम ये बातें करते चले आ रहे हैं कोई 2 साल से, जब से फारूक भाई का इख्तलाफ हुआ इन्हीं बातों पे हुआ। और हमें ये डर था कि ये पूरी की पूरी एक माफिया नीचे वाले साथियों को भी अपने रंग में रंग देगी। मैंने जो आपको ये वीडियो दिखाई है छोटी सी, एक दफा ये क्लिप और देख लें, फिर मैं आगे इस पर बात करता हूँ। सादिक भाई आप भी देखिए। अच्छा सर, इनके नाम वाम बता दें जब तक, क्या है इनके नाम वगैरह? सर, नाम एक डिप्टी डायरेक्टर है वेस्ट जोन नजीम कबार, ये डिप्टी डायरेक्टर है टेक्सास। और दूसरे का नाम? और दूसरे का नाम है महबूब बेग, ये भी बीएमसी वेस्ट में टेक्सास का डिप्टी डायरेक्टर है। जी, ये छोटी सी वीडियो देखी आपने, अभी ये गिरफ्तारी हुई है इनकी, नैब ने इनको गिरफ्तार किया है। ये नदीम कमाल भाई हमारे, ये जो हम रो रहे थे ना कि पूरी कौम बर्बाद हो रही है, सिर्फ ये बात मेयर पे नहीं खत्म हो रही थी, ये राबता कमेटी के काबिज टोले पे ये बात खत्म नहीं हो रही थी, ये बात और नीचे तक जा रही थी। जो ऊपर की करप्शन है ना, ऊपर की करप्शन देख कर नीचे साथी खराब हो रहे थे। ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है अभी, जो आपने ये तस्वीर देखी है, इसमें एक साथी हैं, पुराने साथी हैं बहुत, ये जो नीली शलवार कमीज पहने हुए उनके बराबर में एक साथी है जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है, नदीम कमाल भाई। अफसोसनाक बात यह है कि ये एक सीनियर साथी है, ना सिर्फ ये डिप्टी डायरेक्टर लोकल बॉडीज टैक्सेस में वेस्ट में तैनात थे, ये राबता कमेटी की जो माफिया है उनकी गुड़बुक में थे। और ये साहब मरकजी इलेक्शन सेल, MQM के मरकजी इलेक्शन सेल के जिम्मेदार हैं। कितने अफसोस की बात है, हम सारी जिंदगी ये लड़ते रहे, सारी जिंदगी हम ये लड़ते रहे कि MQM जो है वो साफ सुथरी जमात है, भत्ता नहीं लेती, खाले नहीं छीनती, दहशतगर्दी नहीं करती, सारी जिंदगी हम ये लड़ते रहे। लेकिन आज आकर हमें अफसोस इस बात का होता है कि आज MQM वो सब कर रही है जिसके लिए हम लड़ते रहे। MQM इज द वन, मैं बड़ी दावे से ये बात कहता हूं
एंकियन टर्न्स द परसेप्शन इनटू द रियलिटी। पहले हम कहते थे ना कि एंकियन के खिलाफ परसेप्शन है, एंकियन के खिलाफ परसेप्शन है, और फिर ये बात भी सब कहते थे कि परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द रियलिटी। एक कॉमन सेइंग है वर्ल्ड ओवर यूनिवर्सल कि परसेप्शन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द रियलिटी, बट आफ्टर ऑल इट इज परसेप्शन। परसेप्शन को जायल भी किया जा सकता है, परसेप्शन को गलत भी साबित किया जा सकता है, बट वट इफ एनकम टर्न्स परसेप्शन इन टू द रियालिटी, दैट इज द क्वेश्चन। वट इफ एनक्यूएन टर्न्स परसेप्शन इन टू द रियालिटी, कि एनक्यूएम ने जो परसेप्शन हम पर कायम था, एनक्यूएम के चंद वडेरों ने, चंद शहरी वडेरों ने, चंद करोड़पति अरबपति शहरी वडेरों ने, जो बदकिस्मती से ताली मार मार के राबता कमेटी के मेंबर बनते रहे हैं, उन्होंने एमक्यूएम के खिलाफ प्रोपेगेंडे को सच साबित कर दिया। आज अफसोसनाक खबर ये मैंने आपको दिखाई है कि मरकजी इलेक्शन सेल के एक साथी को नैब ने पकड़ा है, डिप्टी डायरेक्टर लोकल बॉडीज टैक्सेस, और ये खबर मीडिया की नजर बनी है, दुनिया ने देखी, कई लोगों ने पूरी दुनिया से मुझे ये भेजिए, ये देखें ये कौन है, ये देखें ये कौन है, इसके साथ एक पूरा टैक्स है। इन्होंने किया क्या था, इनकी एक जिस पर ये पकड़े गए, बाकी बातें तो छोड़ दें, जो मवेशी मंडी लगती है सुपर हाईवे पर, जो मवेशी मंडी लगती है सुपर हाईवे पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में वो आती है, एक ठेकेदार ने उस मवेशी मंडी को लेने के लिए 6.5 करोड़ रुपए की ऑफर दी। साथियों गौर करें, देखिए मैं जो इतना चीखता हूं चिल्लाता हूं, मैं इसीलिए चीखता चिल्लाता हूं कि करप्शन का लेवल क्या है, आप गौर करें। इसमें ये खाली नदीम कमाल मुलव्वस नहीं होंगे, इसमें डिस्ट्रिक्ट के भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुलव्वस होंगे, और ऊपर तक की एक टॉप लीडरशिप मुलव्वस होगी, जभी तो ये इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया है। 6.5 करोड़ रुपए एक आदमी दे रहा है कि मैं ये मवेशी मंडी आपसे लेता हूं, और आप 6.5 करोड़ की ऑफर को ठुकरा कर 1.5 करोड़ वाले को सब्जी मवेशी मंडी की का ठेका दे देते हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, एनीबॉडी कुड वेरी इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट वाज द मिथ बिहाइंड ऑफ इट, सिंपली करप्शन। क्या जो 6.5 करोड़ दे रहा है, 6.5 करोड़ वाले को छोड़कर आप 1.5 करोड़ वाले को ठेका दे रहे हैं, और लोकल टैक्सेस में, यानी वो पैसा जो डिस्ट्रिक्ट को आना था, उस पैसे से डिस्ट्रिक्ट के नाले साफ होने थे, डिस्ट्रिक्ट की गलियां बननी थी, रोड बननी थी, 5.5 करोड़ रुपए तो आते कम से कम 6.5 में से, वो इन्होंने नहीं लिया, जिसे कहते हैं कि एक तरीके कार के मुताबिक, बल्कि 1.5 करोड़ में ठेका किसी और को दे दिया, जिससे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को कमाई सिर्फ 16.5 लाख रुपए हुई, सिर्फ 16.5 लाख। अब जो ये 5.5 करोड़ रुपए आपने जाया किए हैं, ये बैक डोर से आपकी जेबों में चले गए हो। या अल्लाह, दैट इज द लेवल ऑफ करप्शन। एक एमक्यूएम का मरकजी जिम्मेदार इस करप्शन में मुलव्वस पाया गया, नैब ने उनको पकड़ा है, उनके ऊपर एफआईआर काटी गई है। बाकायदा एफआईआर तो तभी करती है जब केस तकरीबन पक्का। तो ये एक मैंने देखा, कल से ये चल रहा था, मुझे बहुत अफसोस हुआ, और कल कोर्ट में भी काफी मुझे पुलिस वालों ने भी ये दिखाया, उन्हें बोला ये देखें शायद भाई नैब ने पकड़ा है, और ये देखें आप जानते हैं इनको। मैंने कहा जानता हूं, हमने साथ काम किया इलेक्शन सेल में। तो अफसोस की बात है साथियों, चले प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सादिक शेख भाई, हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के ही जिम्मेदार हैं, औरंगी और कस्बा अलीगढ़ टाउन से। तो सादिक भाई, व्हाट इज योर कमेंट अपॉन दिस करप्शन, प्लीज बोलिए। अस्सलामु अलैकुम तमाम सामईन जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, और तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम। शाहिद भाई, करप्शन की तो इंतहा ही नहीं है, बिल्कुल वो लिमिट, जो लिमिट आउट हो चुका है, हर तरफ करप्शन। जो लोग मुंतखब, जिन लोगों कराची के आवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया था, उन लोगों ने जो वार्ड लगाई है कराची की, वो बिल्कुल सुनने के काबिल नहीं है। आप देख लें किस तरह उन्होंने करप्शन किया है। हमारे इलाके औरंगी टाउन में
इजहारुद्दीन साहब होते हैं, और उसके बाद जो यूसी नाजिम है, यूसी चेयरमैन, बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने करप्शन की ये इंतहा है कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने पॉकेटें संभाली हैं बस, और कुछ नहीं किया उन्होंने। लोग परेशान और बदमाशी, लोगों को धमकाया गया कि भाई जाओ, हम तुम्हारा काम ही नहीं कर रहे, जाओ जो करना कर लो, जिसको आगे कंप्लेन करना कर लो। तो इस तरह हुआ है लोगों के साथ। और सबसे एक अजीब बात ये है कि उस यूसी जो चेयरमैन जो करप्शन का ये था कि उन्होंने लोगों को, एक बिल्कुल करप्ट लोगों को बैठाया, ठीक है ना। अच्छा, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, औरंगी टाउन में, उस औरंगी टाउन का ये एक इशू था कि यहाँ पर बिहारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो उनका एनआईसी शार्ट कार्ड के लिए बहुत एक बड़ा मसला होता है। एक यूसी के, एक हमारे एक ओआरसी के एक जूनियर साथी हैं, सलमान भाई। अच्छा, उनका एक एनआईसी का मसला, एक उनका प्रॉब्लम आ गया, क्या एनआईसी जो ना, वो उनका कुछ नादरा में कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो चेयरमैन यूसी 16 के अंदर के लोग ने अपने साथियों से पैसे लिए कि भाई लाओ, मैं आपके शांडी कार्ड के पैसे बनवा दूंगा, पैसे दे दो मुझे। और उन्होंने पैसे लिए, और लेने के बाद 2 या 3 महीने बाद उनको फिर उनको धमकाना शुरू कर दिया। अच्छा, वो मेरे पास कंप्लेन लेके आया कि भाई सादिक भाई, मैं परेशान हो गया हूँ, एनआईसी का मेरा काम नहीं हो रहा, और इन्होंने मुझसे पैसे लिए हुए। तो करप्शन तो बहुत इंतहाई दर्जे की करप्शन, कोई काम किया नहीं इन लोगों ने। सही बात, हर बिल्कुल तरफ सिर्फ, बिल्कुल। जहां जाए वहां नाला बह रहा, कहीं कुछ नाल रोड। अच्छा, रोड भी ऐसा उन्होंने बनवाया, अगर कोई रोड बन भी गया गलती से, तो उन्होंने रोडों का ये हशर किया हुआ है कि जो अभी बारिशें हुई ना, वो ऐसा लगता है कि कभी रोड यहाँ पर था ही नहीं। जी बिल्कुल इतने सादिक भाई, वर्षों में आप तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जिम्मेदार हैं। लोगों से बदतमीजी किया इन्होंने, शाहिद भाई, लोगों से इस तरह बदतमीजी किया कि आप सोच ही सकते हैं। आप वो बिल्कुल लोग, सही अच्छा बात ये है, लोग बिल्कुल आप क्या बोले दूसरे को कंटिन्यू दुआएं करें, देंगे? बिल्कुल इनको नहीं लोग क्या देंगे, दुआएं बिल्कुल देंगे? कभी लोग दुआएं नहीं देंगे, लोग बदुआएं देंगे इनको। और क्या ये सोचते हैं कि ये दोबारा आ जाएंगे? अल्लाह ना करे ये वापस आए दोबारा। तो इन्होंने जो अल्लाह ना कराची का करे बेड़ा भाई, गर्क किया है, अल्लाह ना बहुत करे। ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि आप इसको सोच भी नहीं सकते। अच्छा, एक और है शाहिद भाई, मैं आपको बता रहा था शाहिद भाई, के जी मैं सुन रहा हूँ, आप एक बोले। महाजिर कौमों का एक मसीहा बन के एक होते हैं, अमेरिका में होते हैं, उनका नाम है आपका नदीम रिजवी, क्या नाम है शायद, मैं भूल भी रहा हूं मैं। अच्छा, नदीम रिजवी, मथुरू का सीन वो वाले, लंदन, मथुरू का क्या सीन वाले जो जी, हाँ, मथुरू मथुरा का का, सीन वाले, हाँ। सही है अच्छा, सही है। अब वो साहब अमेरिका में बैठे हुए होते हैं। अच्छा, उनको मैंने ये सिर्फ बोला, भाई आप अपना एक काम करें, अपना रेसिडेंस परमिट जो ना, आप जो अमेरिका में रह रहे हैं, आप वो फाड़ के आए, जी कराची आए, ग्राउंड में काम करें, इन लोगों के हमारे साथ काम करें, हम आपको सब वेलकम करेंगे, आप काम करें हमारे साथ आकर, ठीक है ना। तो वो फेसबुक पर ना, और व्हाट्सएप पर, फेसबुक व्हाट्सएप जी और लोगों को बिल्कुल दिमाग उन्होंने सड़ा दिया उन्होंने। अच्छा, वो किसी के साथी सही नहीं है, है। आर्मी को वो बुरा बुरा कह रहे होते हैं, अवाम को वो बुरा बुरा कह रहे होते हैं, ठीक है ना, आला क्यादत को बुरा बुरा वो कह रहे होते हैं, फारूक भाई को वो बुरा बुरा कह रहे होते हैं, खालिद महमूद सिद्दीकी को बुरा। अबे भाई, वो किसी के साथ नहीं है, वो सिर्फ बुरा, बस वो बुराई पे बुराई कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने उनसे सही पूछा, बात भाई आप करना क्या चाहते हैं, आप करना क्या जी चाहते हैं? अगर आपको जी इतनी मोहब्बत है महाजिर कौमों से, तो आए आप ग्राउंड में आके काम करें। आप फेसबुक में क्या चाह रहे हैं कि कराची का मसला सॉल्व हो जाए? ऐसा नहीं है। आपको जब भी कोई काम करना होगा, उसके लिए आपको अपने जान व माल के साथ आपको फिजिकली काम करना होगा। फेसबुक में आपने 2 वीडियो बना दी, 2 मिनट की क्लिप्स बना दी, और लोगों को छोड़ दिया, लो भाई लड़ते रहो, सिंधी आपस में लड़ रहे, महाजिर आपस में लड़ रहे, वो उनको गाली बक रहे हैं। क्या हम लोग की क्या ऐसी गाली सुनने के लिए रह गए क्या, और उनकी वजह से गाली सुन रहे हैं? अगर कोई सिंधी, अगर कोई बेचारा, कोई इंटरेस्टिंग के लोग, अगर वो कुछ कह रहे हैं, तो वो हमें गाली दे रहे सिर्फ इनकी वजह से। तो शाहिद भाई, अब इनके बारे में बात करें। अब शाहिद भाई, कल भी मेरी आपसे बात हुई थी इस टॉपिक पे, कि आप इसके बारे में बात करें। जी मैं आप ही बिल्कुल गुफ्तगू में और लोगों को भी शामिल करता हूँ। सबसे पहले तो हमारी जो होस्ट हैं बाजी, हमारी सीनियर वर्कर हैं सोशल मीडिया की, रहमत जिलानी बाजी, तो वो हमारी मौजूद हैं। तो सबसे पहले बाजी को सलाम करता हूँ मैं।
वाली सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका आवाज आ रही है, क्लियर है आप? जी आवाज आ रही है आपकी। चलें गुड। अच्छा ये आज का टॉपिक हमने शुरू किया था, आप थोड़ा सा लेट आए, बल्कि तमाम पहले दोस्तों को हम वेलकम कर लेते हैं। वजीर अंसारी भाई हैं, भाई जान अस्सलाम वालेकुम। और इसी तरीके से शायद भाई वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हैं। हमारे यूएई के साथी हैं, बहुत पुराने सीनियर साथी हैं, आजकल यूएई में होते हैं, फैसल भाई, तो फैसल भाई भी मौजूद है। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। चले माशाल्लाह। अच्छा फिर हमारे साथी हैं, रेगुलर कॉलर हैं, साकिब भाई, साकिब खान भाई। साकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। तो जो साथी हैं जिन्होंने, जी वजीर अंसारी भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साकिब खान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, ठीक। अच्छा साथियों, मैंने अभी थोड़ा सा, आप लोग जो लेट आए, एक सेकंड में आपको छोटी सी एक क्लिप दिखाता हूँ, चंद सेकंड का क्लिप है, फिर हम इसी टॉपिक पे गुफ्तगु कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा जो साथी अभी आए हैं वो थोड़ा सा इसको देखें। अच्छा सर, इनके नाम वाम बता दें जब तक, क्या है इनके नाम वगैरह? नाम एक डिप्टी डायरेक्टर है वेस्ट जोन नजीर कबार, ये डिप्टी डायरेक्टर है टेक्सास। और दूसरे का नाम? और दूसरे का नाम है महबूब बेग, ये भी डीएफसी वेस्ट में टेक्सास का डिप्टी डायरेक्टर है। जी आप लोगों ने देखा, ये इसकी मैं आपको स्टिल दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे हैं नजर, ये बीच में जो दो मास्क लगाए हुए खड़े हुए हैं कायदे आज़म की तस्वीर के फौरन बराबर में, नीली शर्ट में, लाइट ब्लू शर्ट में, ये नदीम कमाल भाई हैं, हमारे जिम्मेदार हैं मरकजी इलेक्शन सेल के। ये FIR उनके खिलाफ कटी है, और नए सुनने वालों को मैं बताऊँ, ये FIR में लिखा है, अगर आप उसको बोलेंगे तो मैं आप लोगों को सबको ये भेज दूंगा, क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने जो मवेशी मंडी का जो ठेका होता है, मवेशी मंडी का ठेका 6.5 करोड़ रुपए का ठेका देने के बजाय 1.5 करोड़ में दिया, और 6.5 करोड़ वाले को मना कर दिया है, जी आपको ठेका नहीं देंगे। तो ये वाला केस इनके ऊपर नैब ने रजिस्टर्ड किया है कि 6.5 करोड़ का ठेका आप नहीं दे रहे, और आपने 1.5 करोड़ वाले को ठेका दिया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को 16 लाख रुपए की कमाई हुई है। जबकि 6.5 करोड़ का ठेका देते तो 5.5 करोड़ की कमाई होती, जो कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की गलियों की, नालों की, सड़कों की तामीर में काम आती। ये बदउनवानी का और रिश्वत का केस इनके ऊपर रजिस्टर्ड हुआ है। तो साथियों मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जो ये जो राबता कमेटी करप्ट है, अरबपति बन गई है ना, तो साथियों ने भी ये निचली सतह पे जो सेकेंड टीयर है ये मरकजी कमेटी का, जब और इसके साथ बहुत सारे 17, 18, 19, 20 ग्रेड के लोग हैं, जैसे राशिद सलवारी है, फुरकान तैयब है, शकील है, अबू बकर भी है इसमें शामिल, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है सारे, ये सब इस गंगा में हाथ धो रहे हैं। ये नदीम कमाल भाई बहुत अच्छे साथी थे भाई, मैं इनको जानता हूँ, इलेक्शन सेल में हमने साथ काम किया, लेकिन क्या है, ये डिप्टी डायरेक्टर टैक्सेस हैं, ये जिसे कहते हैं ना कि सुहागन वही जो पियामन भाए, तो पियामन भाए, तो पियामन भाने पर इनको वहां पर लोकल पार्टीज में डिप्टी डायरेक्टर लगाया, और इन्होंने ये चपत लगाई। ये तो वो है जो पकड़ी गई है, जो पकड़ी नहीं गई है वो इसके अलावा, और इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो भी नैब घेरा तंग करेगी और पकड़ी जाएगी। जिस तरह जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के चेयरमैन है इजहार अहमद खान, उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं, गो के उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है, और अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन ये केस उनके गले का फंदा बन चुका है। तो दोस्तों ये हमारा आज का बेसिकली टॉपिक है करप्शन। तो अब आप बताइए इस करप्शन से कैसे जान छूटेगी, और इस एमक्यूएम जो बहादुराबाद में जो टोला बैठा हुआ है, उस टोले के बारे में क्या कहते हैं आप लोग? फैसल भाई थोड़ा आपसे मैं चाहूंगा स्टार्ट प्लीज। जी वालेकुम। वालेकुम सर भाई, सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और सबके साथ जो है ना
वो एक ही तरह से जो है वो प्रोसेस होना चाहिए, और जी बिल्कुल जो भी अकाउंटेबिलिटी करने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारे पास से जो है अकाउंटेबिलिटी हमारी अपनी कोई टीम बन जाए, कोई इस तरह का कोई ऐसा कोई प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि इन शॉर्ट इस पे जो हम कहते हैं एमक्यूएम के कॉन्स्टिट्यूशन में अकाउंटेबिलिटी सेल बनना चाहिए। जो मैंने कल एक स्टेटस लगाया है फेसबुक पे, वो मेरा यही स्टेटस था कि एमक्यूएम को जो आप एक सेट ऑफ रूल्स के तहत चलाया जाएगा, माफिया के तहत नहीं चलाया जाएगा। ये मेरा एक कल मैंने अपना स्टेटस डाला है कि एमक्यूएम को किसी माफिया के जरिए नहीं, सेट ऑफ रूल्स के तहत चलाया जाएगा। तो आप लोग तमाम इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। एमक्यूएम में आप कोई शख्सियत परस्ती नहीं होगी, एमक्यूएम का नया आइन तहरीर होगा, एमक्यूएम में जो फैसला होगा वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दो मरहलों में मुंतखब होने वाली राबता कमेटी करेगी। यूसी लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन से ही साथी मुंतखब होंगे, कोई मनपसंद जिम्मेदार नहीं आएगा। इसी तरीके से जो लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जीत के आएंगे वो एलिजिबल होंगे, क्वालिफाई करेंगे मरकजी राबता कमेटी या मरकजी काबीना का इलेक्शन लड़ने के लिए, चाहे वो कभी भी मरकजी सतह तक नहीं पहुंचे हों। लेकिन अगर वो इंटर पार्टी इलेक्शन से लड़ते हुए डिस्ट्रिक्ट कमेटी तक आ गए तो फिर वो राबता कमेटी के इलेक्शन के लिए भी नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप लोग, सही है ये? बिल्कुल ऐसी सही है। इसी तरीके से साथियों को मौका मिलेगा। अभी हमारे साथ एक कॉलर आए हैं, इसमें ताहिर हुसैन भाई। ताहिर भाई, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आपको अस्सलाम वालेकुम, और आप कौन से ताहिर भाई हैं, अपना थोड़ा सा तारुफ कराइएगा, और अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो काइंडली वीडियो ऑन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर बात करूं, शायद खैरियत से हैं तमाम साथी? जी ताहिर भाई, ताहिर भाई हमारे, ताहिर भाई, ताहिर भाई हमारे कोरंगी टाउन, और ताहिर भाई आगे हैं स्क्रीन पर, मैं उनको लेता हूँ, तमाम साथी इनको जानते हैं। थैंक यू ताहिर भाई, आपने ज्वाइन किया, और इससे पहले कि मैं दूसरे लोगों तक जाऊं, आपका मैं कमेंट लेना चाहूंगा इस प्रोग्राम के हवाले से, क्या कहते हैं आप और आज के टॉपिक के हवाले से। मैं माइक आपका खोल रहा हूँ। शायद भाई तमाम सर आपको शुक्रिया, और तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम, जो इस वालेकुम सलाम हिस्सा है। वालेकुम सलाम और सलाम। अच्छा, अभी भी मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया, आप एहतसाब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, ये जो एहतसाब के हवाले से जो आप गुफ्तगू कर रहे थे, ये तो शुरू से ही हमारे पास अगर ये सिस्टम मौजूद होता, और जबकि 2002 के बाद से खासतौर पर, तो ये हालत हमारी जो मौजूदा सूरत हाल का अभी हम सामना कर रहे हैं, तो हम इस सूरत हाल का सामना न कर रहे होते तो इस हवाले से बिल्कुल 22 किसी की तरफदारी न करते तो इंशाल्लाह ये हमारे हालत इससे नहीं होती। लेकिन अब कोशिश करते हैं इंशाल्लाह सब मिलकर, और कुछ जिसमें अच्छे साथियों की इनपुट का होना जरूरी है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जो सिर्फ एक खामोश तमाशा ही बनकर घर बैठे हुए हैं, जो लातालुक हो चुके हैं इस सियासत से, चाहे वो बहादराबाद में बैठे हुए कुछ लोग, कुछ लोग जाए PIP में भी नहीं बैठे हुए, लेकिन अपने घर बैठे हुए, और वो ना जाने कौन से अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो अच्छा वक्त आएगा तो हम काम करेंगे। अच्छा वक्त आपके लिए यादगार वक्त वो ये है कि जब आप मुश्किल वक्त में तहरीक के लिए खड़े हो जाए, स्टैंड लेने, और तहरीक में जिन लोगों ने खराबियाँ की हैं तो उनके हवाले से खुल के इजहार करें कि भाई ये फला फला साहब है जिन्होंने तहरीक के अंदर खराबी किया। उनके हवाले से आप बोल्ड होकर बात जब तक बात नहीं करेंगे, और हर गुफ्तगू के दौरान आप भी कहेंगे कि यार किसी को बात बुरी लिए माजरत चाहता हूँ, तो भाई माजरत कैसी यार, आपने गलत काम किया है तो भाई आपने सुनना पड़ेगी। अगर मैंने कोई गलत काम किया है और मेरे हवाले से कोई साथी कमेंट देता है तो भैया तो मैं उसको काउंटर करूँगा, उसको जवाब देना मेरा हक बनता है, चाहे वो उसकी बात मुझे सुननी है हर सूरत में। तो हमारी जो जिस स्टेटस को हम शिकार हो चुके हैं तहरीक एमक्यूएम,
अच्छा, और एक बात ये है कि तहरीक के अंदर जो है चंद एक लोगों ने समझ लिया कि उनकी बाकी जा गए, माजरत के साथ थोड़ा मोटा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सही भाई, जी बिल्कुल सही, किसी बाप की जागीर नहीं है उसमें, लोगों ने अपनी जिंदगी गुजार दी है, लोगों ने अपना टाइम दिया है, लोगों ने असीरें काटी है, शहादतें बर्दाश्त की है। और सबसे बड़ी बात कि अगर एम क्यू एम अभी नाकाम होती है ना, तो ये एम क्यू एम की नाकामी नहीं है, या सिर्फ एम क्यू एम के कारकुनान की नाकामी नहीं होगी, ये नाकामी है एम क्यू एम के साथ साथ कराची की आवाम की, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों के, पढ़े लिखे जो नौजवान है कि जो कि पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा करना चाहते थे, तो उनको मायूसी होगी, उनकी जो सियासत से बेजारी हो जाएगी। मैं ये चाहूँगा कि यार हम सबको थोड़ा सा बाहर निकल के आना पड़ेगा, सही को सही कहना पड़ेगा और गलत आदमी को बरमलेस का एहसास करना पड़ेगा, और उससे पहले हमें अपनी खुद एहतसाबी का अमल करना पड़ेगा, खुद की जो गलतियाँ खामियाँ हैं उसको भी अपना कहना पड़ेगा, यार मेरी सुस्ती है, काहली है, खामी है, मेरे से ऐसे मामला मुझसे ख़राब हुए हैं, और तो जानबदारी हुई है, गैर जानबदारी हुई है, कहीं मुझसे बदगुमारी का मैं शिकार हूँ। बिल्कुल ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, आपने बड़ी अच्छी बात की, और ये तमाम लोग जो ये साथी का प्रोग्राम देख रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि जो प्रोग्राम जो ताहिर भाई ने ताहिर भाई आवाज आ रही है साहब, सही है। अच्छा, अभी वजीर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में। जी वजीर भाई, शायद ये कहना चाह रहा हूं कि करप्शन जो है ना, करप्शन वो बेसिकली इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि जो शख्स करप्शन कर रहा होता है ना, तो लोग उसको कुछ नहीं कह रहे होते, बेसिकली उसका ताल्लुक जहां से होता है ना उस चीज को लोग कह रहे होते हैं। तो इन लोगों को इतनी शर्म और इतनी हया नहीं है कि ये लोग अगर कोई काम कर रहे हैं तो इनको इतनी शर्म और इनको इतनी हया नहीं है कि इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि इनकी माँ को, जो इनकी माँ है उसको कहा जाएगा कि वो जो है किस तरह की जो है मतलब चीज है, तो इतना भी इनको वो शर्म नहीं है, मतलब ये तो काम है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई, लेकिन अब ये शर्म दिलाएगा कौन, सवाल तो ये, इन लोगों को ये शर्म दिलाएगा कौन, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये शर्म दिलाने के लिए तो प्रोग्राम कर रहे हैं भाई। बिल्कुल शायद भाई आप सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, असल में हकीकत यह है कि इनके जमीर जो है ना वो बिल्कुल काले हो चुके हैं, सिया हो चुके हैं, और ये आदि हो चुके हैं इन चीजों के। जी तो इससे निजात का तरीकाकार क्या होगा बताइए ना भाई। शायद भाई इससे निजात के लिए जो है ना, हम सब लोगों को जो इस करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक हम निकलेंगे नहीं, रोएंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक ये कभी भी अपनी सीटें नहीं छोड़ेंगे। हम सिर्फ प्रोग्राम करके ये करके तो हम मैसेज दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हम अपना अपनी स्ट्रेंथ अपनी कुव्वत को नहीं दिखा रहे। हमें अपनी स्ट्रेंथ अपनी कुव्वत अपनी पावर इनको दिखानी पड़ेगी, और हमें बताना पड़ेगा कि तुम लोग इस सिस्टम को नहीं चला सकते, ये फेलियर है टोटल। हम इस सिस्टम को चलाएंगे, और सिस्टम को चलाने के लिए पीछे जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी भी सपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी, और उनको भी आपने इस बात को कायल करना पड़ेगा कि हम साफ सुथरे और एहसन तरीके से इस सिस्टम को चलाएंगे, नो टू करप्शन वाले फार्मूले के ऊपर चलेंगे और इसको बेहतर बनाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा मैं अपनी जो को होस्ट है उनसे कहूंगा, शायद भाई थोड़ी सी बात बाबाजी से, मैं एक मिनट साकिब आपसे लेता हूँ। जी रहमा जिलानी, क्या कहेंगी आप, क्या आपने देखा साथियों की गुफ्तगू से सुना, क्या आप इसमें ऐड करें, फिर मैं साकिब भाई से इस पे मजीद गुफ्तगू करता हूँ। जी मैंने साथियों की बात सुनी है, वो अपनी जगह बिल्कुल राइट हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जब तक ऊपर का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता, नीचे का सिस्टम कौन ठीक करेगा। जी कौन करेगा, क्योंकि आपकी क्या राय है, करेगा। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब ऊपर का बॉस ही ठीक नहीं होगा, अब हम अगर किसी को, अगर मैं अपनी मिसाल ले लूं, मैं अगर कोई कंपनी चला रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, अगर मेरे ही हाथ साफ ना हो, मैं दो नंबर काम कर रही होंगी, और मैं अपने एम्प्लॉयज को भी बोलूंगी कि मेरा साथ दो और उस पर काम करो,
मैं तुम्हें इतने पैसे दे रही हूँ, तो एज इट इज ऐसी है। अगर मैं राइट चलूंगी, ठीक तरह चलूंगी कि मैं अपना काम ठीक से ईमानदारी से करूं, अपने सिस्टम को सही चलाऊं, तो फिर नीचे वालों की हिम्मत नहीं होगी कि वो अपने सिस्टम को खराब करें, क्योंकि उसका बॉस ठीक होगा। बिल्कुल सही कह रही हूँ। असल में आप बाजी, आपने बात बहुत अच्छी की, बिल्कुल सही बात की, लेकिन यहाँ पर सारी चीज आती है तरबियत की, कि आपकी तरबियत क्या है। आपने इतनी तरबियती नशिस्तें ली, इतना सब कुछ किया, शाहिद भाई बहुत पुराने सीनियर साथी हैं, ठीक है, तो शाहिद भाई के फारूक सत्तार भाई हैं, वो क्यों, उन्होंने क्यों नहीं किया। मसला सारा ये है कि इन्होंने जो है तहरीक को समझा, तहरीक के असासे को समझा। जो तहरीक को और तहरीक के असासों को समझेंगे वो कभी भी इस चीज को नहीं करेंगे, इससे दूर रहेंगे। और जो माल को और मालो और अपनी शोहरत को वो समझेंगे तो वो जाहिर है, वो तो फिर उसी चीज के पीछे भागेंगे ना। फारूक सत्तार भाई की तो बात ही नहीं की ना, वो तो एक नेक इंसान है, उन्होंने अपनी जिंदगी तहरीक के नाम कर दी है। अगर आज तक लोग उन्हें समझ नहीं पाए हैं, तो आगे मैं यही कहूंगी, अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे कि उनका आमीन। साथ दें, उनके कदम के साथ कदम मिलाकर चलें, सिर्फ इतना कह सकती हूँ। अजी मैं यही तो कह रहा हूँ कि फारूक सत्तार भाई का नाम लोग नहीं लेते, और दूसरे सीनियर साथी हैं, शाहिद पाशा भाई हैं, कमाल भाई हैं, कमाल मलिक, बहुत सारे साथी हैं ऐसे, इनके नाम लेते नहीं है लोग, लेकिन लोग नाम लेते हैं ख्वाजा इजहारुल हसन, फैसल सबजवारी, आमिर खान, अमीनुल हक। क्यों लेते हैं इनका नाम? इसीलिए लेते हैं कि ये वाकई 100% सबको पता है इस बात का कि ये करप्ट लोग हैं, ये करप्ट माफिया है, ये करप्ट टोला है। पूरी दुनिया जानती है ये करप्ट है। अगर ऐसा होता तो आज फारूक भाई जो है इनको बताते, लेकिन फारूक भाई एक नेक इंसान है, वो अपने काम जो है पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये चीज, ये जो 8 का तोला बैठा है ना, इनको हजम नहीं हो रही है, ये बात है। इनको इसलिए हजम नहीं हो रही है कि इनके मुंह पे हराम लग चुका है, और इनके जो घर हैं, इनकी जो फैमिली है, इनके बच्चे जो हैं वो सब इसी चीज पे चल रहे हैं। इनके बच्चे, इनकी वाइफ, इनकी खवातीन क्या इनसे पूछती नहीं है कि पैसा इतना करोड़ों रुपए कहाँ से लेकर आते हो? उनको भी सवाल करना चाहिए अब तो इन लोगों से कि बेशर्मो, तुम लोग ये इतना पैसा लेकर कहाँ से आते हो, किसको लूटते हो तुम लोग और ये पैसे लेकर? मेरे भाई मेरी बात सुने, ये कब तक खाएंगे हराम, ये मुझे बताए ना, ये कब तक खाएंगे हराम? अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अगर पैसे इनके पास आ रहे हैं तो ये पैसे बहुत जल्द खत्म भी हो जाएंगे, क्योंकि जितनी जल्दी आसमान पे बंदा उड़ता है ना, अल्लाह उतनी जल्दी जमीन पर भी गिरा देता है। बेशक ये बेशक। चीज इनको समझ में नहीं आ रही है, इनको 2 नंबर काम करने की आदत सी पड़ गई है। अगर ये साफ दिल से काम करें तो ऐसा होगा नहीं। इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि एमक्यूएम को अच्छा बनाए और अच्छे अच्छे इंशाल्लाह लोगों जल्द को हो जाए, इसमें इन्वॉल्व करें, और फारूक भाई की सरबराही में इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। जरूर होगा, जरूर होगा। अच्छा शायद भाई, शायद भाई आवाज नहीं आ रही। भाई आपकी हेलो, मेरी आवाज आ रही है? शायद भाई आवाज जी नहीं आ अभी रही। आवाज मैं ये आई। कह रहा हूँ, मैं अभी आ रही है ना मेरी आवाज? हेलो मेरे भाई, ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जी अभी आवाज आई, अभी आ रही है ना मेरी आवाज? मैं ये कह रहा हूँ, अब आ रही है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, रहमा जिलानी ने जो बात की है, ठीक बात की है बिल्कुल इन्होंने, और ये हमारी बहुत अच्छी आती है, सोशल मीडिया की एक्टिविस्ट हैं और काफी चीजों को ये जानती हैं। फारूक भाई के साथ कई मीटिंग में हमने इनको देखा है, और इंशाल्लाह कुछ हम और भी एक दो प्रोग्राम बना रहे हैं, तो बहुत जल्द आप इनको देखेंगे और दीगर प्रोग्राम्स के अंदर भी। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का जितना ज्यादा हम इस्तेमाल कर सकें हम करें। मैं ये जो गुफ्तगू है, अभी आरिफ खान तलोली भाई ने एक सवाल डाला हुआ है, नीचे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये सारे मामलात कैसे ठीक होंगे, ठीक है ना? तो मैं एक छोटी सी आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये सोशल मीडिया पर वायरल थी बहुत पहले और मैंने इसको सेव करके रखा, तो जरा आप लोग ये वीडियो देखें, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, अटक के चले, लेकिन बहरहाल आप ये देखें,
फिर आप देखेंगे ये एमक्यूएम की दो टॉप के लोग हैं, यानी एमक्यूएम की जो टॉप लीडरशिप है जो सर बहादुर बाब ने बैठी हुई है, जो करप्शन के सुरखैर है वो है ये। ठीक है, आप देखें जरा कितने माशाल्लाह अमीर है आप, जब आगाज किया आपने सियासत का तो कहा जाता है कि जी आम से मतवसत घर से ताल्लुक है आपका। अभी मेरा ताल्लुक मतवसत घर से ही है। कुंवर नवेश साहब खानदानी आदमी, उनका खानदानी बैकग्राउंड एक नवाब फैमिली से। अभी मेरा ताल्लुक मतवसत घर से ही है। कुंवर नवेश साहब खानदानी आदमी, उनका खानदानी बैकग्राउंड एक नवाब फैमिली से। अभी मेरा ताल्लुक मुतवसत घर से ही है। कुंवर नवेश साहब खानदानी आदमी, उनका खानदानी बैकग्राउंड एक नवाब फैमिली से। अभी मेरा ताल्लुक मुतवसत घर से ही है। बहुत जबरदस्त शाहिद भाई, बहुत जबरदस्त, बेहतरीन। अब आप देखें इसमें ये दो अफराद, ये और दो अफराद आमिर खान के घर में, घर देखें जरा आमिर खान का, आप शाहाना घर। अच्छा, फिर ये जो दो अफराद इनके साथ बैठे हैं और करप्ट तरीन लोग, और मैंने एंड में इसमें पढ़ा कि इट इज इजियर टू फूल समबॉडी इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम दे आर बीइंग फूल्ड। यानी ये बहुत आसान है लोगों को बेवकूफ बनाना, बजाय इसके कि उनको समझाया जाए कि ये आपको बेवकूफ बना रहे, इससे बेहतर है लोगों को बेवकूफ बनाए। तो ये इस फॉर्मूले पे अमल करते हैं ये लोग, और इनकी दौलत का हिसाब हमने पूछा तो शाहिद पाशा करप्ट या बहुत ज्यादा नज़्म ज़ब्त की, या मुझे बताइए, मैं आज भी इनसे पूछता हूँ, तमाम साथी बैठे हुए हैं भाई, मैं मेरा जो इन्होंने अपने तौर पे मुझे राबता कमेटी से निकाला है गैर आईनी तौर पर, किस बुनियाद पे निकाला है बताएं जरा। मैंने कोई चोरी की, कोई करप्शन की, क्या की? मैंने इनसे सवाल किया, सिर्फ मैंने इनसे सवाल किया, ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? पैसा कमाना छोड़ो, एमक्यूएम को बचाओ, महाजिरों के लिए काम करो, कराची के लिए काम करो। यही बात जब फारूक भाई ने बोली तो फारूक भाई के साथ भी झगड़ा हो गया। तो देखिये दोस्तों साथियों, प्रॉब्लम सारी ये है, ये चीजें मैं आपको दिखाता रहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा, मैं ये 5 फरवरी 2018 से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो 2015 से यही बातें कर रहा हूँ और मुसलसिल कर रहा हूँ, और आपका कमेटी के सामने आंखों में आंखें डाल के कर रहा हूँ। अब इसका इलाज क्या है, इसका हल क्या है कि सारी जिंदगी हमारे बच्चे इन चंद लोगों के, ये हमारे ऊपर काबिज रहेंगे, जैसे पाकिस्तान पे एक अशराफिया एक सियासतदान टोला काबिज है, कभी नवाज शरीफ कभी आसिफ जरदारी, कभी नवाज शरीफ काफी कभी आसिफ जरदारी, अब एक नई टीम आ गई शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन जिन्होंने 8 अरब रुपया लगाया इलेक्शन में, लोगों को खरीदा करोड़ों रुपए देकर, और शुगर माफिया के नाम से 80 अरब रुपए कमा के वो चले गए, और आज कोई पूछ रहा है जहांगीर तरीन किधर हैं? आज कीमत चीनी की कहां पहुंच गई है, 30 रुपए किलो 32 रुपए किलो मिलने वाली चीनी आज 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है, इमरान खान साहब नीचे नहीं ला सके। पेट्रोल माफिया, पेट्रोल इन्होंने कितना कम कर दिया था लेकिन माफिया ने इनको करने नहीं दिया, ये माफिया के सामने इमरान खान साहब बड़ी बातें करते थे, हथियार डाल दिया, आज पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर है, कहां 70 रुपए आ गया था और उससे नीचे जाना था। तो ये हमारे लोग भी तो वही सियासतदान है। अब इन सियासतदानों के लिए जो साथी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, मेरा ये सवाल है तमाम मेरे पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं कि ये मामला सही कैसे होंगे इन लोगों के साथ, ये 8 अफराद करप्ट माफिया के साथ क्या किया जाए ताकि भी नीचे से नई कौपले फूटे और नए लोग ऊपर आए। जी कौन बात करे, नई कौपले फूटे और नए लोग ऊपर आए। जी कौन बात, साकिब भाई जी, शाहिद भाई बहुत शुक्रिया, शाहिद भाई जी, शाहिद भाई बहुत शुक्रिया, और बात जो मैंने बहुत शुक्रिया थी
जी जी शाहिद भाई बहुत शुक्रिया। और बात जो मैंने शुरू करनी थी वो शाहिद भाई मेरी आवाज वापस आ रही है? हाँ वो मेरे ख्याल में ताहिर भाई की तरफ कोई माइक का प्रॉब्लम आ रहा है। ताहिर भाई थोड़ी सी रिफंड हो रही है, आवाज रिटर्न हो रही है, तो अब आप बात करें। मैंने उनका अभी माइक म्यूट किया हुआ है, ताहिर भाई बात करेंगे तो माइक खुल जाएगा। बात मैंने शुरू करनी थी डिप्टी डायरेक्टर नदीम कमाल भाई से, लेकिन क्योंकि फिर ताहिर भाई आ गए तो सबसे पहले तो मैं ताहिर भाई को खुशामदीद कहूंगा कि उनका पहला प्रोग्राम है, और दूसरा शाहिद भाई और देखने वाले मेहमानों को मैं एक चीज बताता चलूं कि जब लांडी कुरंगी के साथियों में मायूसी फैल गई थी, साथी जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, तो ताहिर भाई ने माशाल्लाह से सबकी जो है वो मायूसियां जो है ना वो खत्म की, और इन्होंने ताहिर भाई ने बहुत ज्यादा मेहनत की ना, तो सबसे पहले तो मैं ताहिर भाई को खराज तहसीन पेश करूंगा। और कोई शक नहीं है ताहिर भाई खड़े रहे, डटे रहे। ताहिर भाई दो दफा अरेस्ट हुए, बिल्कुल बिल्कुल ताहिर भाई डटे रहे, और माशाल्लाह ताहिर भाई हक और सच पर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे, हिम्मत और इस्तेकामत इनका मजीद उसको अल्लाह ताला दवाम बख्शे। बिल्कुल सही बात है जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि मैं शाहिद भाई मैं विटनेस हूँ कि बहादुराबाद ने इन्हें जो है ताहिर भाई को काफी अच्छी अच्छी ऑफर्स की, जो इन्होंने बगैर सोचे समझे जो है वो रिजेक्ट की, और फारूक भाई के फलसफे के साथ जो है वो खड़े रहे। बेशक, अच्छा बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा दूसरी बात ये कि ये कमाल नदीम कमाल भाई जो है, थोड़ा बहुत मैं भी इनके बारे में जानता हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने तो जो करके बेचारे ये फंस गए, लेकिन ये थे सेकंड मैन, इनसे तो करवाया गया ना, उन बदबख्तों के से क्या होगा जिन्होंने इनसे गलत काम करवाए हैं। जी बिल्कुल, गलत काम करवाने वाले तो दूसरे थे ना, नाम मैं उनके नहीं लेना चाह रहा। अब ये बेचारे फंस गए, अब इसी तरीके से दूसरे जो डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर जो हैं उन्हें ये सोचना चाहिए, भाई आप इस्तेमाल हो रहे हैं, आप इस्तेमाल होंगे और इसी तरीके से आप उनके पीछे खड़े भी होंगे हाथ जोड़ के जो है ना, और जो आपसे करवाते हैं वो आपसे फिर ला तालुकी का ऐलान करेंगे, वो आपको पहचानेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले भी देखें, इसमें भी दो नाम है, एक ये आपके नदीम कमाल है और दूसरे कोई महबूब भाई भी है जो खड़े हुए साथ में, उनको ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन नदीम कमाल भाई में मुझे इसलिए अफसोस और दुख हुआ, अफसोस तो छोड़े एक तरफ दुख हुआ कि मरकजी इलेक्शन सेल में साथी मरकजी जिम्मेदारी पे पहुंचता है, एक रिफाइंड साथी पहुंचता है, लेकिन इन्होंने जो राबता कमेटी में करप्ट लोगों को बिठाया हुआ ना, इरशाद जफीर जैसे लोग जो डीजल के पैसे खा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बदनाम है, फुरकान तैयब, ये लोग राबता कमेटी में, शकील अबू बकर, खालिद सुल्तान, आदिल खान, ये सब भाई वाटर बोर्ड और केएमसी के एम्प्लॉयज हैं। कानूनी तौर पे तो ये राबता कमेटी के मेंबर बन नहीं सकते, लेकिन उनको जबरदस्ती आमिर खान ने ढोसा हुआ है राबता कमेटी के। जो देखिए जो दीगर मेंबरान है ना, 20 के करीब मेंबरान, जब मैं जेल से आया 2017 में, तो मुझसे सबने ये बात कही क्योंकि मैं डिप्टी कन्वीनर हूं कि शाहिद भाई या तो हमें राबता कमेटी में रखें या जो आमिर खान ने ये टोला घुसाया हुआ इनको रखें, कि हम सारे राबता कमेटी के मेंबर यहाँ चुप रहते हैं और ये 17-20 अफराद है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, यहाँ पर आके ठेकेदारियां बांटते हैं, यहाँ पे आके ये नौकरियां बांटते हैं, यहाँ पे आके प्रमोशन बांटते हैं, और हम मुंह देखते रहते हैं, हमारी नहीं सुनी जाती। तो मैंने कहा ठीक है इस पे बात करते हैं कि 35 रुकनी जो राबता कमेटी है वो अहम है, ये 52 रुकनी राबता कमेटी उस वक्त बन चुकी थी, 17 लोग इजाफी आमिर खान ने डाले हुए थे जो आमिर खान और कंवर नवीद को सपोर्ट करें, तो राबता कमेटी तो बहुत इंबैलेंस हो गई थी, चोर माफिया राबता कमेटी में आ चुकी थी। लेकिन मुझे सबसे अफसोस खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को होता है, खालिद भाई सब जानते हैं, जिस दिन मैं लापता हुआ खालिद भाई ने तो तबाह कर दिया जी, खालिद भाई ने अपने मुंह से मुझे ये बात कही कि करप्शन का मेयार आप देख ले, ये तो इब्तदा है अभी। भाई खालिद भाई जब आपको सब पता है तो यार आपके मुंह में लड्डू है या क्या है, या आपको भी करप्शन का कीड़ा लग गया है? अल्लाह ताला आपकी जिंदगी एक अजीब से मखमसे में बीमारी में मुब्तला है आप, अल्लाह ताला से माफी मांगे और कौम के लिए कुछ कर जाए मरने से पहले, यार इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं। जी साकिब भाई कंटिन्यू। और भाई जो हमारे साहब का जिम्मेदार जो माशाल्लाह से अभी डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर बने हुए हैं, मैं स्पेशली लांडी कोरंगी की बात कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, भाई हम आपसे मोहब्बत करते हैं, खुदारा आप इस ये झूठ का जो चुंगल है इसमें आप फंसे में आप निकले इससे, आपके आपकी फैमिली है, मैं मतलब नाम मैं उन डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर का नहीं ले रहा हूँ,
लेकिन मुझे पता है कि वो गलत काम में इन्वॉल्व हैं और उनसे गलत काम करवाया जा रहा है। कौन कौन राबता कमेटी के मेंबर आके उनसे उनके ऑफिस में मिलते हैं, भाई सब कारकुनों को पता है, सब कारकुन आपके ऑफिस के बाहर से 24 घंटे में पता नहीं कितनी बार गुजरते हैं ना। तो और खुदा के लिए आप निकलें और इस झूठ से निकलें, वरना आप भी इसी तरीके से जो है खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला महफूज रखे आप लोगों को, आपके साथ खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा ना हो जाए। ठीक है साकिब भाई, बिल्कुल जी। ताहिर भाई क्या कहेंगे आप? आप माशाल्लाह सीनियर साथी हैं, सारी चीजें आप समझ रहे हैं, आपने फाइट की है बरमला, आपने इनसे लड़े हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पास जी माइक आपके पास है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पास शायद भाई माइक आपके पास। थैंक यू, शुक्रिया शायद भाई। जो अभी आपने क्लिप दिखाया है, वीडियो क्लिप जो दिखाया है, उसको देखकर मुझे एक पुरानी कमेंट्री याद आ गई, समीउल्लाह से कलीमुल्ला, कलीमुल्ला से सलीमुल्ला। सही सही कह रहा है भाई, मैं नवाब नहीं हूँ। सही सही कह रहा है, ये ड्रामा कोई ड्रामा चल रहा है भाई, सलीमुल्ला कलीमुल्ला खेल रहे हैं सब। और सब अच्छा, एक बंदा कह रहा है मैं नवाब नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक मुतवस्सत घराने से, लेकिन आमिर खान कह रहे हैं नहीं जी वो नवाब है। नवाब है, अफसोस है यार। आमिर आमिर भाई, आमिर आमिर भाई ने ना कोई नवाबी करते हुए देख लिया है ना नवेद भाई को। अच्छा, आमिर भाई ने ना कोई नवाबी करते हुए देख लिया है ना नवेद भाई। असल में कमर नवेद या कमर नवेद जमील की जो झील है, एक बहुत बड़ी झील है इनकी, बहुत बड़ी नहर। वसीर भाई क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कमर नवेद जमील जो है वो अपना जो फार्म करें, वसीर भाई वीडियो तो ऑन करें, आप सोशल मीडिया के एक्सपर्ट आदमी हैं, आपने हमारा सोशल मीडिया सेंट्रल चलाया है 90 पे भाई, लोग आपको देखें तो पहचान तो लें, क्या बात है। आप आपने कैमरा बंद किया हो? वीडियो खोल लूंगा जी जी, मैं वीडियो खोलता हूँ। मैं आपसे एक बात ये कह रहा था कि कंवर नवेद जमील जो है वो आमिर खान को अपने फार्म हाउस पे ले गए होंगे और वहां पे लेके जाके फार्म हाउस दिखा दिया होगा, इसलिए वो कह रहे थे नवाब है आप। कंवर नवेद जमील साहब के मैं आपको एक बात बताऊं साथियों, ये जेल में जब हम अरेस्ट हुए 22 अगस्त को, तो हम आर्टरी मैदान थाने में, हमें सुबह रेंजर्स ने हाईकोर्ट में पेश किया और हमारी FIR काटी और हम पे चार्ज लगाए जो भी गद्दारी के और जो भी थे, और फिर हमें आर्टिलरी मैदान के हैंडओवर किया। तो 10 दिन हम वहां थाने में रहे। तो कंवर नवीद साहब की एक प्रॉब्लम, ये परेशान थे बहुत ज्यादा, कहने लगे यार ये हालात ऐसे हो गए यार, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। तो मैंने कहा अरे छोड़े नवीद, नवीद भाई टेंशन की क्या बात है, सब सही हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। कह रहे नहीं नहीं हालात की टेंशन नहीं है मुझे, मुझे टेंशन ये है कि मैंने $25,000, आप नोट करें तमाम साथी देखने वाले और सुनने वाले, कंवर नवीद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के कहता हूं मैं कि कंवर नवीद ने ये बात मुझे थाने में कही कि $25,000 मैंने जमा कराए हैं साउथ अफ्रीका जाकर शेर का शिकार खेलने के लिए। यार मुझे ये डर है, मुझे जाना था कहीं ऐसा ना हो मेरी वो रकम जो डूब जाए। मैंने सोचा या मेरे अल्लाह, यहाँ कौम का सत्यानाश हो गया, MQM बर्बाद हो गई, कराची में क्या हो रहा है, और ये इस शख्स को कह रहा है $25,000 मैंने जमा कराया, रुपए नहीं डॉलर, साउथ अफ्रीका में शेर का शिकार खेल ले। शायद भाई ऐसी अच्छा अच्छा हुआ कि भाई अच्छा हुआ कि ये $25,000 की तो वो नवाब ही कहलाएगा ना, तो आमिर खान तो सही कह रहा है नवाब है। हाँ तो आमिर खान ने इनके ठाट बाट देखे है ना, आमिर खान ने वो ठाट बाट नहीं देखे इनके जब इनके पास साइकिल भी नहीं होती थी और ये किसी की बड़े भाई की साइकिल लेके आते थे और ये इनके भाई इनको चप्पल से मारते थे लोगों के सामने कि साइकिल लेके तुम क्यों आ गए भाई। ये ताहिर भाई माफ करे अल्लाह ताला, ये देखे ये बुराई नहीं है, साइकिल होना ना होना बुराई नहीं है, इतना डबल केबिन गाड़ी तक कैसे आ गए ये बुराई है। शायद भाई हैदराबाद के मेयर बनने के बाद सब कुछ हुआ इनके साथ।
जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ताहिर भाई, अच्छा हुआ कि कंवर नवेद भाई अरेस्ट हो गए, वरना शेर को सारी जिंदगी अफसोस रहता कि मैं भालू के हाथ मारा गया। सही बात है। चलें जी, रहमा जिलानी क्या कहेंगी आप, कोई एमक्यूएम के इंकशाफात समझ में आ रहे हैं कुछ आप? जी मुझे समझ में आ रहे हैं, मैं सबकी बातें सुन रही हूँ। जी ये एमक्यूएम की असल कहानी है जो अंदर है एमक्यूएम, जिसकी वजह से आज एमक्यूएम बर्बाद है, जिसकी वजह से आज लोग एमक्यूएम को वोट नहीं दे रहे। ये एमक्यूएम की टॉप लीडरशिप की बातें हो रही है, टॉप लीडरशिप आमिर खान, खालिद मकबूल, कंवर नवीद, फैसल सब्जारी, ख्वाजा इजहारुल हसन, वसीम अख्तर, हैदर रिजवी और किश्वर जहरा, ये आठ का टोला है। अमीनुल हक की बात, अमीनुल हक का नाम, अमीनुल हक तो मास्टरमाइंड है। जी जी क्या कहेंगी? ये लोग तो वजारतें लेके बैठे हुए हैं, ये हुकूमत के पास जाते हैं, इन्होंने वजारतें ली हुई हैं। कितनी मीटिंग्स हुई है इमरान खान के साथ, इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद से कराची में मीटिंग, अभी जो कल इमरान खान साहब कराची आए हैं, यहाँ पर इनकी मीटिंग हुई है। कितनी मीटिंग्स हो चुकी है इनकी, ये काम सिर्फ मीटिंग ही तक रह गई है, इनकी काम तो होता कुछ नजर नहीं आया। इन्होंने कितने अपने मामला इमरान खान के साथ रखे हैं, तो काम कुछ होता नजर आए तो फिर अच्छा भी लगता है, लेकिन ये इतने बेगैरत हैं कि ये वजारतें लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाजी, ये इतने बगैरत हैं कि इमरान खान साहब जब आए ना तो उन्होंने अपने सर्कल में ये कहा है कि कराची को एमक्यूएम ने और पीपल्स पार्टी ने डबो दिया है। ये बात सबको मालूम है कि ये खान साहब ने ये बात बोली है। इन्हें भी नहीं पता चला होगा ये इन्होंने एहतजाज क्यों नहीं किया इस बात पर जो है ना, लेकिन क्योंकि ये इन्हें जो है मजे है ना, ये अपने मजे कैसे छोड़ सकते। असल मसला ये है कि किसी ना किसी तरीके से अपनी वजारत बचानी है, और पहले भी इसी तरह होता था, जो भी एमपी एमएनए बनते थे ना वो कहते थे भाई भाई इसको मत आने दो, अगर ये आगे आ गया तो अगली दफा ये एमएनए आ जाएगा, ये हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो अभी भी यही चीज चल रही है, ये तो है ही शुरू से दो नंबर फ्रॉड ये। कोशिश हमें ये करनी चाहिए, अगर हम अच्छे हैं और अगर हमसे भी अच्छा कोई काम कर रहा है तो हमें मौका देना चाहिए कि वो बंदा आगे जाए, ना कि पीछे जाए। अगर हमारी यही सोच रहेगी तो कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। बाजी मौका दे देंगे दूसरे बंदे को आगे बढ़ने का, तो फिर इनका रोजगार, इनकी मुलाजमत, ये एम्प्लॉय है ना, बेसिकली एमक्यूएम के एम्प्लॉयज हैं, दे आर द एम्प्लॉयज। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इनकी कमाई का जरिया यही है भाई, सही कह रहे हैं आप। इनकी इनकम जनरेट यहाँ से होती है, एमक्यूएम इनकी इनकम जनरेट होती है, एमक्यूएम इज एटीएम कार्ड फॉर देम। बिल्कुल सही बात है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो डिप्टी मेयर है अरशद हसन, डिप्टी मेयर कराची जो अभी रिटायर हुए हैं, आपने देखा होगा इनके बारे में जो चल रही है खबरें कि ये जो क्या नाम है आपका, मेयर साहब ने कोई बहुत लग्जरी गाड़ियां हैं जो मेयर साहब ने अपने बंदर बांट करके गए हैं, लग्जरी गाड़ी है जिसमें फॉर्च्यूनर, डबल कैबिन, लैंड क्रूजर, प्राडो, वीगो और टोयोटा करोला नए मॉडल की गाड़ियां हैं सारी, जो मेयर कराची ने अपने इस्तेमाल में रखी थी, 10 गाड़ियां मेयर कराची ने अपने इस्तेमाल में रखी थी। तो ये सारी जो वो यूज कर रहे हैं अभी तक, जब तक के जो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं और बल्दियाती कमेटी, बल्दियाती जो मिनिस्टर है वो लेंगे। ये गाड़ी आप देखें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो गाड़ी है, ये प्राइवेट गाड़ी है, ये गाड़ी किसकी है, अभी न्यू गाड़ी है ये, बताइए कोई बता सकता है? ये गाड़ी मैंने फैसल सब्जवारी या ख्वाजा इजहार किसी को देखा है उनके पास। जी ये वो वाली गाड़ी नहीं है भाई, ये गाड़ी अरशद हसन जो डिप्टी मेयर है, ये इनकी अपनी गाड़ी है, ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई है इनकी तस्वीर, ये गाड़ी का नंबर देख ले, KU883। जो डिप्टी मेयर बनने के बाद इनके पास भी डबल कैबिन गाड़ी आ गई, अब आपके सामने ये देख लें, यही ऐसी ही गाड़ी रेहान हाशमी के पास है, ऐसी ही गाड़ी नैयर के पास है, ऐसी ही गाड़ी सबके पास है भाई, ब्लड प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियां लेकर ये लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल सही ये है। अच्छा अभी आप देखें, ये आपने देख रहे हैं इफ्तिखार शलवानी साहब जिनको कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया है पीपल्स पार्टी ने। मैं जो बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, अब आप जरा ये देखें क्या इमरान खान साहब देकर गए कराची के लिए,
1100 अरब का तारीखी पैकेज, ये जो 1100 अरब का तारीखी पैकेज है, ये पैकेज उस यूनिवर्सिटी से कम नहीं है जो यूनिवर्सिटी हैदराबाद की हवा में तामीर हो रही है इस्लामाबाद में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शायद भाई। शायद भाई कराची इससे ज्यादा एक महीने में कमा के देता है विफाक को। जी बिल्कुल। अच्छा अब मैं जो आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ ना दोस्तों, देखिए जो मैं आप लोगों को बात बताना चाह रहा हूँ, जो नीचे ये एक सवाल आ रहा है मोहम्मद फैसल भाई का, वो कहते हैं काइंडली सोल्यूशन बताएं, जो होना था हो गया, अब आपके पास सोल्यूशन क्या है? फैसल भाई सोल्यूशन हमने अभी बताया है, 10-20 मिनट पहले ही बताया है। काइंडली अगर आप जो कुरान को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेंगे तो सारे आपको इसमें सोल्यूशन हम बता चुके हैं वो नजर आएगा, वरना 10 मिनट फिर और इसमें लग जाएंगे प्रोग्राम में। जो बात मैं साथियों आप लोगों से करना चाह रहा हूं, मेरी बात यह है कि इमरान खान के जो वुजरा हैं, कराची दुश्मनी से वो भी पीछे नहीं है। नंबर वन, कराची पोर्ट ट्रस्ट का एक एड लगा जिसमें पोर्ट एंड शिपिंग के वजीर जो है अली जैदी साहब जिम्मेदार हैं, उसमें वाजे तौर पे अखबारात में वो इश्तिहार छपा है, वो इश्तिहार मेरे पास भी है। वो कहते हैं पंजाब और केपीके के डोमिसाइल के लोग चाहिए। ओ भाई व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आप कराची में कराची के लड़कों को लगाएं जॉबों में, क्या पंजाब और केपीके के डोमिसाइल के लोग क्यों आएंगे वहां से अपने शहर अपना सूबा छोड़ के? कराची के क्यों नहीं? ये आईन में लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट डिवीजन सूबा, डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट होगी तो डिस्ट्रिक्ट के लोगों से फिल की जाएगी, डिवीजन की होगी तो डिवीजन से बाहर से कोई नहीं आएगा, और सूबे की होगी तो उसी सूबे के लोग लगाए जाएंगे। नहीं मिले अगर आपको सूबे से डिस्ट्रिक्ट से तो आप फिर बाहर से बुला सकते हैं। इसी तरीके से अभी तक इमरान खान कहता है मकामी पुलिस होनी चाहिए, अभी तक इमरान खान ने ये फेडरल सब्जेक्ट है मकामी पुलिस का आज तक इस पर बात नहीं की। दूसरी बात, मैंने अभी इसको स्टेटस डाला था, मैंने लगाया है स्टेटस पे, आप सब लोगों ने वो कैबिनेट डिवीजन का नोटिफिकेशन देखा होगा जिसमें तमाम सूबों की जो जॉब्स की डिवीजन है वो लिखी हुई है। पंजाब का 50% कोटा है, सिंध का 19% कोटा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सिंध और पंजाब की आबादी के लिहाज से ठीक है, लेकिन किसी सूबे के अंदर वो कोटा मजीद शहरी और देही में डिवाइड नहीं है, लेकिन सिंध की नोटिफिकेशन में वो कोटा मजीद 40% शहरी और 60% देही में डिवाइड है। अच्छा चले, अभी इसमें एक नया एंगल आया है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 40% शहरी में पहले हम ये समझते थे कि ये 40% कोटा महाजिरों को मिलेगा, कराची के लोगों को मिलेगा। भाई अब बहुत दिन भी गए, जब खलील मियां फाख्ते उड़ाते थे, ये जो 40% कोटा है इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि उर्दू स्पीकिंग महाजिरों को या कराची के लोगों को मिलेगा, इसमें शहरी को मिलेगा, चाहे उसके पास उस शहरी के वो शहरी लड़काना से आके रह रहा हो, उसने कराची का डोमिसाइल बना लिया हो, खैरपुर से, दादू से, बदीन से, कहीं से भी आके वो रह रहा हो, ठट्टा से, लड़काना से, वो उसको मिलेगा वो कोटा। ये तो अब खत्म ही हो गया कोटा, ये 100% कोटा अंदरूनी सिंध का हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है कि कराची के लड़के प्राइवेट जॉबें करें, बाइकियां चलाएं, फूड पांडा की मोटरसाइकिलें लेके घूमें, या उबर और करीम चलाएंगे। ये इमरान खान के कराची दुश्मनी इकदामात मैं आपको बता रहा हूं। अभी कई दिनों से चल रहा था इमरान खान आ रहे हैं जुमेरात को, इमरान खान आ रहे हैं जुम्मे को, इमरान खान आ रहे हैं हफ्ते को, और आर्मी चीफ 2 दिन पहले आकर गए, उन्होंने तमाम लोगों से मिलकर बातचीत की कि कराची का सोल्यूशन निकलेगा। शिबली फराज कह रहे हैं कराची को वफाक के हवाले दिया जा रहा है, शहजाद अकबर कह रहे हैं कराची का इंतजाम वफाक संभालेगा, फैसल वावड़ा, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, अली जैदी और ये जो इनके सारे मिनिस्टर हैं जिनका कराची से ताल्लुक है, ये सब कह रहे हैं कराची के लिए हम वफाक से बैठकर कोई इंतजामी वो यूनिट चलाएंगे। और अभी क्या हुआ, 2 दिन कल आए इमरान खान 2 घंटे और देकर चले गए लॉलीपॉप, और एडमिनिस्ट्रेटर अनाउंस कर दिया पीपल्स पार्टी ने, अब आप भुट्टे भुने बैठकर। देखिए ये सब ड्रामेबाजी है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जमहूरी हुकूमत पीपल्स पार्टी से लड़े, सब पीपल्स पार्टी के आगे लेट चुके हैं, एमक्यूएम भी, पीटीआई भी, कुछ भी नहीं होने वाला। अब ये पीपल्स पार्टी, कल बिलावल भुट्टो ने पूरे कराची का दौरा किया आज, और आज वो सरजानी टाउन चले गए,
वो यूसुफ कोर्ट चले गए और उन्होंने कराची के लोगों के लिए एक नया बड़ा वाला कॉटन कैंडी होती है ना, एक लॉलीपॉप होता है, कॉटन कैंडी होती है जिसे हम कहते हैं बुढ़िया के बाल, उन्होंने वो देने शुरू कर दिया। किसी का घर नहीं टूटेगा, पहले मैं घर दूंगा, यानी ये मुकम्मल सियासत हो रही है। और हमारी राबता कमेटी क्या कर रही है बैठी हुई, अंजामे दुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पल्लू बैठा है, ये आमिर खान अंगूठा छाप, कंवर नवीन अंगूठा छाप लोग बैठे हुए वहां पे, ये लोग क्या करेंगे यार, ये है सवाल। ये सोल्यूशन जब तक नहीं होगा जब तक आठ राबता कमेटी के लोगों से जान नहीं छूटेगी और मेरिट के बुनियाद पर राबता कमेटी बैठकर फैसले नहीं करेगी, नया आइन मुरतब किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी कमेटी बनेगी, हर किसी का एहतसाब होगा। अभी आमिर खान से कोई पूछ सकता है, कंवर नवीद से, ख्वाजा इजाज से, फैजल सरदारी, वसीम अख्तर से, आज तक आपने देखा किसी ने पूछा गिरेबान पकड़ के कि कराची बर्बाद हो गया तुम लोग यहां बैठे हुए मजे से? एक साहब की कॉल आई थी बहादुराबाद पे, उन्होंने गालियां बकी, उन्होंने कहा मैं किससे पूछूं, वो बेचारा टेलीफोन ऑपरेटर था, उन्होंने कहा सर यहाँ पे कोई नहीं है, नसीम हारून साहब ने कॉल की थी, वो कॉल वायरल हुई, सबने देखी। तो जब तक चेक एंड बैलेंस और बासपुर्स का निजाम कायम नहीं होगा, ये राबता कमेटी के चंद बड़े बर्बाद करते रहेंगे कराची को, कारकुनान को सोचना पड़ेगा। अभी हम रास्त इकदाम करेंगे, अगर कारकुनान नहीं निकले और राबता कमेटी, हम नहीं कह रहे किसी को मार पिटाई करनी है, हम कह रहे हैं राबता कमेटी बैठे, राबता कमेटी अक्सरी दराय से फैसले करे, डिप्टी कन्वीनर को हटाए, सीनियर डिप्टी कन्वीनर को हटाए, फारूक भाई जैसे कन्वीनर थे उनको कन्वीनर बहाल किया जाए क्योंकि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, और उसके बाद राबता कमेटी फैसला करे। ये सोल्यूशन है मेरे भाई, जो साथियों ने सवाल पूछा मैंने दोबारा बता दिया जी। अच्छा ये जो साथी जितने भी ये सवाल पूछते हैं ना भाई के सोल्यूशन बताएं सोल्यूशन बताएं, तो इनसे गुजारिश है कि जब हम लोग कुछ करने जाएंगे तो खुदा के लिए साथ दीजिएगा फिर आप लाजमी। यही तो बात है ना भाई, प्रॉब्लम तो यही है ना। अच्छा शाहिद भाई मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये कि इतना बड़ा पैकेज दे दिया, सब कुछ किया, लेकिन इमरान खान ने अब तक ये नहीं पूछा कि कराची के लोगों की बेसिक नेसेसिटीज क्या है। कराची के लोगों की बेसिक नेसेसिटी क्या है? तालीम। आपके गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल ऐसे ही पड़े हुए हैं, उधर गधे बने हुए हैं, उधर जो है वो गाय भैंसे बनी हुई हैं, और इतना इतना जो है वो टीचर्स, उनकी सैलरीज भी जा रही हैं, वो आ भी नहीं रहे। आपकी बेसिक नेसेसिटी हॉस्पिटल है, आपके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है। पूरे गुलिस्तान जौहर को अगर देख लें तो कोई हॉस्पिटल आप बता दें मुझे, इतनी दूर जाके जो है स्कीम 33 में जो है आपके हॉस्पिटल है, डाओ हॉस्पिटल, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चीजें आती हैं, फिर पानी का मसला, ये सब बात के मसले। सबसे पहले आप तालीम अच्छी देंगे, आप सेहत अच्छी करेंगे तो लोग फिर कुछ कर के आपको दिखा सकेंगे ना। आपने तालीमी जो है वो खत्म कर दी, आपने लोगों को मारना शुरू कर दिया, सेहत का फुकदान, हॉस्पिटल आपके सही नहीं है, तो कहां से होगा मतलब मामला? कभी इस बात के ऊपर सोचा नहीं शायद भाई आप लोगों ने? बिल्कुल जनाब, ये तो बेसिक जो रूट जिसे कहते हैं ना, रूट कॉज, बेसिक बुनियादी वजूहत है। अभी मैंने एक स्टेटस लगाया, जैन अली भाई कहते हैं इस मसले का हल यही है कि इस बार इनका मुकम्मल बायकॉट कर दें या आजाद उम्मीदवारों का वोट दें, जब सियासत में मार खाएंगे तो घर वापस जाएंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस पूरे मुद्दत इलेक्शन की एमक्यूएम को मुकम्मल तरतीब के अमल से गुजरना होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात, जैन भाई ने बेहतरीन बात बोली है और मैं जैन भाई की पूरी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। मोहम्मद फैसल भाई ने जो सोल्यूशन मांगा था, ये एक सोल्यूशन उसमें से भी है। लेकिन साथियों, मैं इस फोरम पे एक आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक चीज, आप लोग मुझे राय दीजिएगा, जो लोग देख रहे हैं वो मुझे राइटिंग में लिख कर दें और इसके बाद फिर हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे क्योंकि एक घंटे से ज्यादा का प्रोग्राम हो चुका है। मैं आपको बताता हूं कि पहला हमारा हल इसका यह है, फारूक भाई इस पर एग्री है, कि एक दफा राबता कमेटी जो 33 अफराद की राबता कमेटी है, इंक्लूडिंग मैं डिप्टी कन्वीनर एज ए फारूक भाई कन्वीनर, और कमाल मलिक भाई एक हमारे राबता कमेटी के मेंबर है, उनको जबरदस्ती इन्होंने मुअत्तल किया हुआ है, वो और बाकी 30 मेंबरान जो राबता कमेटी के वहां बैठे हैं, वो दो मेंबर इसमें थे शब्बीर कायम खानी भाई हीर सोहो, वो एमक्यूएम छोड़ के जा चुके हैं। 35 रुकनी ओरिजिनल लीगल राबता कमेटी मौजूद थी जिसमें से 33 अफराद आज भी मौजूद हैं।
वो राबता कमेटी बैठे, ये आमिर खान को भी सोचना चाहिए, खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी सोचना चाहिए, कवर खालिद कवर नवीद जमील को भी सोचना चाहिए, और राबता कमेटी के जो दीगर लोग हैं जिन तक मेरी बात पहुंचे उनको भी ये सोचना चाहिए, और जो आप लोग सुन रहे हैं उनके राय आप पहुंचाएं। मैं एक वीडियो लॉग भी अभी इसमें तहरीर करने वाला हूँ, रिकॉर्ड करने वाला हूँ, वो मैं डालूंगा कि हम एग्री हैं, चले एक दफा राबता कमेटी बैठ जाए और राबता कमेटी मेजॉरिटी की राय से फैसले करे। फारूक भाई को कन्वीनर नहीं रखना है, लीगली मैंडेट ले ले नहीं रखना है, हम एग्री करेंगे, लेकिन ये फ्रॉड वाला मैंडेट इसको नल एंड वॉइड करें, ये झूठ है, फ्रॉड है। फिर राबता कमेटी का नया आइन तहरीर होगा, राबता कमेटी में अकाउंटेबिलिटी सेल यानी कि एक एहतसाब कमेटी बनेगी जिसमें हर किसी को जवाब देना होगा, नए डिप्टी कन्वीनर्स का इंतखाब होगा, पुराने डिप्टी कन्वीनर्स को खत्म करेंगे हम, नए जो राबता कमेटी तय करेगी नए डिप्टी कन्वीनर देंगे, क्योंकि ये सब फेल हो चुके हैं। और उसके बाद तमाम रिफॉर्मेशन के बाद जो इलेक्टोरल कॉलेज डिफाइन करने के बाद राबता कमेटी को भी फिर तहलील कर दिया जाएगा, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक तरीकाकार राबता कमेटी जो तय करके जाएगी, वो सारी चीजें तय करने के बाद एक एडहॉक कमेटी बिठाएंगे, इलेक्शन कमीशन बिठाएंगे, जो एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएगा फ्री एंड फेयर, जो दो मरहलों में होगा, पहले यूसी में इलेक्शन होंगे, यूसीओ से हर यूसी से 6 लोग मुंतखबों के ऊपर आएंगे, और उसके बाद उन 6 लोगों में से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक साथी मुंतखब होंगे इंटरनली, और जो डिस्ट्रिक्ट तक साथी पहुंचेंगे वो तमाम एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, जो निचली सतह से जैसे चेयरमैन मुंतखब होते हैं फिर वो असेंबली में जाकर मेयर मुंतखब करते हैं, जैसे कौमी असेंबली के लोग मुंतखब होते हैं गली कूचों से फिर असेंबली में जाके वजीर आजम मुंतखब करते हैं, इसी तरीके से यूसी के लेवल पे कारकुनान मुंतखब होंगे, जो यूसी कमेटीज बनेंगी वो तमाम कारकुनान मिलकर राबता कमेटी मुंतखब करेंगे। इसमें राबता कमेटी दोबारा गंदी राबता कमेटी नहीं आएगी, जो अच्छा है वो अपने आप को अच्छा समझता है वो इलेक्शन लड़े आ जाए सो बिस्मिल्ला, एक तो यह हल है, ठीक है साथियों। लेकिन दूसरा हमने एक अल्टीमेट हल रखा हुआ इसका, फारूक भाई ने ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो जैन भाई ने अभी बात की है, जैन भाई की बात से मैं चाहता हूं कि ये बात फ्लो हो ओवर द जिसे कहते हैं विंड, ये जाए लोगों को पता चले कि अगर ये सब नहीं होता और राबता कमेटी हर धर्मी से बैठी रहेगी तो देखिये हम राबता कमेटी में राबता कमेटी के ऑफिस में घुस के और इस किस्म का कोई एक्शन नहीं करना चाहते जिससे मजीद मजाक उड़े, इसी वजह से हम चुप बैठे हुए, ठीक है ना, वरना कोई मसला नहीं है, इनको हम निकान पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा हल फिर हमारा ये है कि ठीक है अगर ये राबता कमेटी ऐसे ही रहती है लूटमार वाली राबता कमेटी, तो फिर हम एक बलदियाती इलेक्शन में इनको किक आउट कर एक ग्रुप बनाए, हकपरस ग्रुप, ठीक है, और फारूक भाई इसको लीड करें और वो हकपरस ग्रुप बलदियाती इलेक्शन में जाए और वो ये कहकर जाए कि ये राबता कमेटी के खिलाफ हमने ये ग्रुप बनाया है, अवाम इनसे तंग है, हम भी इनसे तंग है, लेकिन इसका आईनी हल नहीं निकल पा रहा, लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाएगी, हमने इसका हल ये निकाला कि चूंकि अब बलदियाती इलेक्शन होने वाले हैं तो लोग वोट देंगे, तो ये एक अच्छे लोगों की हमने टीम निकाली और उसमें तमाम हम नए लोगों को वोट इलेक्शन के लिए खड़ा करेंगे, माजरत के साथ पुराना उसमें कोई खड़ा नहीं होगा, इवन कि कोई यूसी चेयरमैन भी दोबारा खड़ा नहीं होगा, ठीक है ना साथियों। नए लोग गली कूचों से निकालेंगे, इंटरव्यू करेंगे, साफ सुथरे पाकबाज लोग निकालकर यूसीओ में फारूक सत्तार भाई की तरफ से हकपरस ग्रुप के नाम से इलेक्शन लड़ेंगे, और इस शर्त के साथ लड़ेंगे कि अगर इस इलेक्शन में फारूक सत्तार भाई के नुमाइंदे जीते और अवाम ने यह मैंडेट दिया कि ये लोग सही है और राबता कमेटी वाले बुरी तरह हार गए, तो ये एक रेफरेंडम होगा कराची के लोगों का कि ठीक है जी अब एमक्यूएम राबता कमेटी जाए, और चूंकि फारूक भाई ने कराची से सीटें निकाली हैं सारी, तो फारूक भाई फिर राबता कमेटी को भी टेक ओवर करे, ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, ये मैंने तजवीज फारूक भाई को दी है, अल्टीमेट चॉइस हमारी ये है, इस पे आप तमाम लोग राय दें और एक एक मिनट में आप अपनी गुफ्तगू करें, बाकी जो लोग कमेंट में देना चाहते हैं वो कमेंट में दें, मैं डिस्प्ले स्क्रीन पे दे दूंगा। साथियों ये मेरी तरफ से वो राय है जिससे एमक्यूएम भी बच जाएगी, वोटर भी निकलेगा घर से, वोट भी डालेगा, कराची की मेयरशिप भी किसी और के पास नहीं जाएगी, और एमक्यूएम नहीं तो महाजनों का कम से कम कराची के नुमाइंदे जीत कर आएंगे और मेयरशिप बनाएंगे, और इसी तरह अल्टीमेटली हमें एमक्यूएम भी मिल जाएगी। क्या कहते हैं साथियों बताइए, कौन बोलेगा? वालेकुम फैसल भाई। जी फैसल भाई, ये आपके दोनों पॉइंट बहुत वैलिड हैं
और अगर पहले वाले ऑप्शन में भी हो जाए तो भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। गुड, सेकंड बेस्ट है, लेकिन पहले वाला हो जाए तो अच्छा है, सेकंड तो है ही अल्टीमेट। जी साकिब भाई, ये कि जी जी अगर जैसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो आपने कहा है यूसी की सतह से, मेरा तो ख्याल ये है कि अल्लाह करे कि अगर यही हो जाए तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। यस, फर्स्ट चॉइस यही है। जी जी बिल्कुल गुड। और मेरा ख्याल है कि जितने भी तहरीक के चाहने वाले हैं, जो मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि तहरीक को बचाया जाए, उनकी भी यही राय होगी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए जो है वो तहरीक को जो है वो बेहतर किया जाए। ठीक है जी वजीर अंसारी भाई। और एक बात और आखिरी बात भाई ये कहना चाहूंगा कि ये जो अभी जो राबता कमेटी है, जो नाम नहाद जो चल रहे हैं, उन्हें भी कुछ होश के नाखून लेने चाहिए कि भाई और कितनी गालियां खाओगे, खुदा के लिए। कारकुन भी गालियां दे रहे हैं, आवाम भी गालियां दे रहे हैं, आप किसी को नहीं देखो। अगर आप तहरीक से मोहब्बत करते हो तो खुदा के लिए कुछ कर लो, तो खुदा के लिए कुछ कर लो। देखें आमिर खान ने ये कसम खाई है, एमकेएम को बर्बाद करने की कसम खाई है, एमकेएम को बर्बाद करने की आमिर खान ने खाई है, बर्बाद हो गई है, आमिर खान ने कसम खाई है, बर्बाद हो गई है, कसम खाई भी है। ये कारकुनान को, राबता कमेटी को सोचना चाहिए, एक शख्स बर्बाद कर रहा है, कंटिन्यू बर्बाद कर रहा है, सोचे इसको। ठीक है जी ताहिर भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? वीडियो एविडेंस भी है इस बात के जो। जी ताहिर भाई बिल्कुल, शाहिद भाई, शाहिद भाई, मैं ऑप्शन नंबर 1 जी ताहिर भाई पहले बात कर, मैं ये शाहिद भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले बात कर लें। जी शाहिद भाई मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन से पहले हमने अपनी सबबंदी करनी है, जो कि बहुत जरूरी है। हम इलेक्शन तो अपना सोच ही लेंगे, और इलेक्शन नजर भी नहीं आ रहे हैं जिस तरह भी, और इलेक्शन की तैयारियां जो है बड़े लोगों की तरफ से मेरे ख्याल हो भी रही हैं। कल परसों जो प्रेस क्लब पे जो हमें सियासी एक्टिविटी नज़र आई है, या फिर जो 12 तारीख को नज़र आने वाली है, तो हमें अब नहीं लगता है कि शायद हमें कुछ मिलेगा अभी इस बल्दियत इलेक्शन में। हमें 1.5-2 साल जो मिलेंगे, अरसा मिल रहा है, इस दौरान जो तहरीकी मामला जो बिगड़ गए हैं उस पर तवज्जो देनी होगी, उसको सही करना होगा। पहले अपना एहतसाब पहले कर लें, अपने अच्छे या गंदे अंडे जो भी जहाँ रखना है वो देख लें, ताकि अपनी अपना घर इन ऑर्डर हो जाएगा तो फिर दूसरी तरफ हम काम कर पाएंगे। अगर हम अभी इलेक्शन में कूद गए तो किसी के हाथ में कुछ भी नहीं लग पाएगा। मेरी जाती राय, इख्तलाफ किया जा सकता है, पहले अपना घर सही करना ज़रूरी है, इनका एहतसाब करना ज़रूरी है, इन लोगों का, जिन लोगों के ऐसे इनकी खराबी पैदा हुई है, और इनको हर सूरत में जो है इस राबता कमेटी को हर सूरत में तहलील होना चाहिए। ये सिर्फ ये आवाज़ जो है सिर्फ PIB की तरफ से नहीं उठने, ये आवाज वहां से भी निकलनी चाहिए, बादराबाद की तरफ से उठ रही है, वहां से बहुत हो गया यार, कब तक खा कमा लेंगे आप लोग यार, उठ रही है वहां से। अच्छा एक बर्मल इजहार करें इस बात का लोग। अच्छा एक आरिफ खान तनोली भाई, जी आरिफ खान तनोली भाई जो है उन्होंने ये बात की है, आरिफ खान तनोली भाई जो है उन्होंने ये बात की है, अभी आप देख रहे हैं जी। ताहिर भाई थोड़ा सा माइक में आपको बंद कर रहा हूँ अभी, वो आपकी आवाज जो है थोड़ा सा माइक में बंद कर रहा हूँ अभी, ओके अच्छा ताहिर खान तनोली भाई का मैंने मैसेज लगाया है, उन्होंने बोला है पहली तजवीज में दूसरे सूबों का हक मारा जाएगा, ठीक है दूसरी तजवीज ठीक है। अच्छा आरिफ खान तनोली भाई हमारे सूबे KPK के सदर हैं, हेड हैं। अच्छा हमने ये अपने अब जो नया जो हम आइन बना रहे हैं, इस नए आइन में मैंने इसको रेडी कर लिया है बिल्कुल, जब वक्त पड़ेगा मैं इसको पेश कर दूंगा, कि इसमें आरिफ खान तनोली भाई और पंजाब कमेटी और दीगर सूबाई कमेटियों के तमाम जिम्मेदारान ये बात सुन ले, प्लस ओवरसीज के साथ ही ये बात सुन लें कि जो हमारे जितने भी सूबाई कमेटी के सदर मुंतखब होके आएंगे, जितने भी सूबाई कमेटीज के सदूर होंगे, वो ऑटोमेटिकली मरकजी कमेटी का मेंबर होंगे, चाहे जो भी राबता कमेटी हो, चाहे जो भी कमेटी हो, वो राबता कमेटी के ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएंगे, जो सूबाई सदूर होंगे, जो ओवरसीज के इंचार्ज होंगे, और वो मीटिंग्स में भी आ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग में भी बैठ सकते हैं, कराची भी आ सकते हैं, जहां भी राबता कमेटी की मरकजी मीटिंग होगी उनको हम वहां पर जो भी टेक्नोलॉजी अब इस्तेमाल होगी हम उनको ऑनलाइन भी ले सकेंगे। तो ये आरिफ भाई ये इंशाल्लाह हर सूबे से एक साथी, हर सूबे से जो भी सूबाई सदर बनेगा वो ऑटोमेटिकली राबता कमेटी का मेंबर बन जाएगा, उसके लिए अगले मरहले का इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं होगी। ये बात भी हमारे नए बाय लॉज में तहरीर है इंशाल्लाह। जी वजीर भाई अब आप कुछ कह रहे थे।
जी मैं शायद भाई ये कह रहा था कि हमारे पास जो है ना ऑप्शन नंबर वन जो है वो सबसे बेहतरीन है, अकाउंटेबिलिटी एंड इंट्रा पार्टी इलेक्शन। राइट, फर्स्ट चॉइस, डन है जी, हो गया। अच्छा ठीक है जी, रहमा जिलानी जनाब आप आखिरी वर्ड्स क्या कहना है आपने जो तजावीज जो सिर्फ इतना कहूंगी आपने जो बातें कही हैं उस बात से मैं एग्री करती हूँ। ठीक है, आप किसी पैनल पे हमारे जिम्मेदारा ने इनसे कोई बात पूछना चाहेंगी? नहीं कुछ नहीं कहना। ठीक है जी, ठीक है साथियों, ये प्रोग्राम डेफिनेटली रिकॉर्ड होगा और डेफिनेटली ये प्रोग्राम जो है हमारा पड़ा रहेगा यूट्यूब पर, SSP न्यूज 90 मेरा चैनल है। तमाम साथियों को चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यही चैनल मेरा फेसबुक पर भी है SSP न्यूज 90। तमाम साथी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल में, हमें ये फायदा है कि अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो इस चैनल के ही जरिए हमें ऐड भी मिलेंगे और हम इस चैनल के ही जरिए कुछ फंड भी जमा कर सकेंगे, जिससे हम अपने प्रोग्राम को और अपनी, हमें कोई कहीं से देखे फंड नहीं मिलता है अभी इस चैनल के लिए, ठीक है ना। हम अपने हमें सिर्फ सब्सक्राइबर चाहिए, आप इसको सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा साथी SSP न्यूज 90 यूट्यूब चैनल को, ताकि फिर हमारे पास यूट्यूब के जरिए भी फिर इसमें थोड़ी सी इनकम जनरेट हो, तो हम फिर कैमराज वैमराज लें और दो दो कैमराज लगाएं और स्टूडियो को भी अच्छा बनाएं, फिर स्टूडियो में भी गेस्ट बुलाएं और स्टूडियो में टॉक शॉक करें। अभी हमारा प्रोग्राम एक है न्यूज बुलेटिन जारी करने का, वो न्यूज बुलेटिन हम अच्छा जारी करें, हम प्रोमोज बनाए, हम बहुत सारी चीजें करें। तो तमाम साथियों से गुजारिश के मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो ठीक है साथियों, आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ये जो हमारी ज़बान खल्क है इसको नकारा है खुदा समझते हुए, ये जो आकबत नांदेश राबता कमेटी के लोग बैठे हुए हैं ये अपना किबला दुरुस्त कर ले, अगर एक हो जाए पूरी राबता कमेटी, मैं तो इस बात पर भी एग्री हूँ कि भाई हमने जितनी भी आपके ऊपर तहकीकात करनी है, इल्जाम की जो बोछाड़ है, जो करप्शन का जो लेवल है, उन तमाम चीजों को फिर हम इग्नोर कर देंगे वक्ती तौर पर, और ये सारे इल्जामात और ये सारी करप्शन आपकी चले जाएगी एहतसाब कमेटी में, फिर वहां आपको जवाब देना होगा। अगर आप क्लियर है तो वहां से क्लियर निकल आइएगा, नहीं है तो फिर आप सजा पार भुक सजा के जो है हकदार होंगे। तो इतना भी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहल तो करें, आगे तो बढ़े। इन तमाम लोगों को ये मेरी तजवीज है, आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शामिल हुए, और इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन नए मेहमानों के साथ नए टॉपिक के साथ एक प्रोग्राम करेंगे। तमाम जो मेरे कॉलर्स थे, जो मेहमान आए थे, उन सबको बहुत शुक्रिया, और इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे और उनका बहुत ख्याल रखेंगे जो लोग आपका ख्याल रखते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नक्कारे खुदा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, जे मुत्तहदा, पाकिस्तान जिंदा। अल्लाह हाफिज।